चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने वाले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली फिल्म वांटेड को लेकर एक खुलासा किया गया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो पवन सिंह की फिल्म वांटेड तो पहले ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनकर बनी हुई है। पवन सिंह को भोजपुरी का सलमान खान माना जाता है, इसी कारण से पवन सिंह हमेशा सलमान की फिल्मों का भोजपुरी वर्जन लेकर आते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह की फिल्म वांटेड में पवन सिंह डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हां, पहली बार पवन सिंह किसी फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाले हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी भी ऑफिशियली तरीके से नहीं किया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म में पहली बार पवन सिंह के साथ भोजपुरी की नंबर वन अदाकारा आम्रपाली दुबे नजर आने वाली है। पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के फिल्म आए हुए गाने राते दिया बुता के, पिया क्या क्या किया लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी के बाद पवन सिंह की फिल्म पवन राजा में एक बार फिर से आम्रपाली दुबे और पवन सिंह का रोमांटिक साउंड भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। फिलहाल पवन सिंह की फिल्म वांटेड का काम स्टोरी पे चल रहा है और जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग नेपाल के खूबसूरत लोकेशन पर किया जाएगा। यह फिल्म होली 2018 के शुभ अवसर पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है।